जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी और दोस्तों आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कमांडो एकेडमी में। दोस्तों आज का जो ये वीडियो बना रहा हूँ स्पेशली एसएससी जीडी की जो फाइनल ज्वाइनिंग डेट है उसके ऊपर बना रहा हूँ कि आपकी ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है। 101% बता रहा हूँ कि जो चीज़ मैं दिखा रहा हूँ ये 100% फैक्ट है, क्योंकि आने वाले समय में आपको ये प्रूफ भी हो जाएगी। आज तक भी मैंने जितने वीडियो बनाए उनमें जो भी चीज़ मैंने प्रूफ के साथ दिखाई है वो 100% श्योर निकली है टाइम के साथ। अगर आप कोई भी मेरा पिछला वीडियो जाके देख सकते हो तो दोस्तों आज का ये वीडियो है कि जो आपकी फाइनल मेट की जो डेट है, अगर कोई भी मेरे पास में अगर कोई भी फोटो प्रूफ कोई भी भेजता है तो उसको मैं अपने तरफ से रीचेक करने के बाद ही उस पर वीडियो बनाता हूँ, इतने जल्दी वीडियो नहीं बनाता हूँ। कोई भी आपके पास में जानकारी आएगी उसमें मेरा वीडियो हमेशा लास्ट में आता है, क्योंकि पहले मैं उसको अपने स्तर पर चेक करता हूँ कि ये बात सही है या गलत। तो आज का जो ये वीडियो स्पेशली जो मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ उस पर है कि आपकी जो फाइनल ज्वाइनिंग डेट है तो आपके लिए गुड न्यूज़ हो सकती है कि कब आपकी ज्वाइनिंग शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों ये डिपार्टमेंटली नोटिस है कि आपकी ज्वाइनिंग को लेकर डिपार्टमेंट में क्या क्या प्रोसेस चल रही है उसके बारे में ये वीडियो है दोस्तों। साथ ही बता दूं कि जो दोस्त मेरे नए तैयारी कर रहे हैं या आने वाले एग्ज़ामों में तैयारी करना चाहते हैं तो मेरा दूसरा एक नया चैनल मैंने ओपन किया है फौजी मैथ अकेडमी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप जाके उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। जिनको भी मैथ और रीजनिंग पढ़ने की इच्छा है, मैं आने वाले एक जैसे मेरे 1000 सब्सक्राइबर उधर कंप्लीट होंगे मैं तो रीजनिंग की क्लास शुरू करने वाला हूँ। जो ऐसे जीडी कैंडिडेट है उनके अलावा उनके जो छोटे भाई बहन हैं उनमें वो उसको ज़रूर शेयर करें दोस्तों। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम कि जो SSGD की जो ज्वाइनिंग है उसके अबाउट क्या जो जानकारी है। आप ये पेपर देख रहे हो, इसकी जो कटिंग जो मैंने लगा रखी है अच्छे से, आपको अच्छे से पढ़ लो। इसको मैंने अच्छे से रीचेक किया कि ये बात सही है, क्योंकि ये जो प्रिंट आउट है ऐसा लग रहा है कि ये शायद कोई भी बना सकता है, क्योंकि एक ओनली PDF फाइल के रूप में बनाया गया है तो कोई भी टाइप कर सकता है इसमें। तो इसीलिए मैंने मेरे पास ये आए हुए कल से आया हुआ है मेरे पास, लेकिन मैं चेक करके फिर क्लियर करके कि क्या ये सही है या गलत, तो इसके बाद ही ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। अब इसमें लिखा हुआ क्या है तो दोस्तों, CRPF के जितने भी ग्रुप सेंटर हैं जिनमें ATC मतलब अटैचमेंट ट्रेनिंग सेंटर है, यानी जो ट्रेनिंग सेंटर के साथ जो मेन, तो एक तो होता है RTC रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर, उसके अलावा एक होता है ATC, तो उसमें भी ट्रेनिंग दी जाती है। जब ज़्यादा मात्रा में जब ट्रेनिंग जाते हैं तो RTC कंप्लीट होने के बाद में उनमें भी ट्रेनिंग दी जाती है दोस्तों। तो ATC को ये नोटिस लिखा गया और इसमें सभी जिसी खटखटी, सूरतगढ़, जोधपुर, उसके बाद में जालंधर जीसी, अजमेर जीसी, जहाँ पर लड़कियों की ट्रेनिंग होती है, सूरतगढ़ में लड़कों की ट्रेनिंग होती है, तो इन सभी के बारे में ये नोटिफिकेशन दी गई है। साथ में इनमें जो आपका जो एडम स्टाफ है, जब जैसे ही आप ज्वाइन करोगे, ये इंग्लिश में दिया गया है, इसके बाद में इसका हिंदी रूपांतरण आपको यहीं पर लगाऊंगा, एक बार आप अगर चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, वैसे मैं बता ही रहा हूं, तो इसका हिंदी रूपांतरण करके भी मैंने यहां पर लगाया, आप देख सकते हो। इसमें लिखा गया है कि आपका जो जैसे आप ज्वाइन करते हो, आपको पता सबसे पहले आपकी ज्वाइनिंग ग्रुप सेंटरों में होती है, चाहे वो ATC हो या जो मेन ग्रुप सेंटर है, चाहे CRPF, BSF, ITBP, CISF, किसी भी, आप ग्रुप सेंटर में पहले आपकी ज्वाइनिंग होती है और वहाँ पर आपकी कागजी कार्रवाई कंप्लीट होने के बाद ही आपको ट्रेनिंग सेंटर भेजा जाता है दोस्तों। तो वहाँ पर जो सबसे पहले आपकी जो ग्रुप सेंटर में जो ज्वाइनिंग होगी तो उसके लिए एडम स्टाफ की जो व्यवस्था है उससे संबंधित लिखाया गया है। तो इसमें एक नीचे लाइन लिखी हुई है अलग कलर से, आप शायद अच्छे से नहीं देख पा रहे, तो एक अलग से स्क्रीनशॉट लेके मैं लगा रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि आने वाले रिक्रूटमेंट की मतलब उम्मीद फरवरी की है, यानी फरवरी तक उनको रिपोर्टिंग करने की डेट है, तो फरवरी में वो रिपोर्ट कर सकते हैं ग्रुप सेंटरों में। इसीलिए जो स्टाफ की जो डिमांड की गई है, इस स्टाफ को इतना सेलेक्ट करके यहाँ पर भेज दिया जाए या इतने स्टाफ की व्यवस्था पहले से रखी जाए। ये नोटिस दिया गया है ट्रेनिंग DIG द्वारा कि भाई जितने भी ट्रेनिंग सेंटर हैं उन सभी में जिनकी लिस्ट दी गई है, इनमें जो नए रिक्रूटमेंट आने वाले हैं उनकी जो डेट है वो फरवरी ज्वाइनिंग डेट दे रखी है कि फरवरी के अंदर उनकी ज्वाइनिंग हो सकती है, वो यहाँ पर आकर रिपोर्ट कर सकते हैं। इसलिए आपके पास में इतना स्टाफ होना ज़रूरी है और ये डिमांड की गई है पहले 2019 से, तो अब ये कम्प्लीट होनी चाहिए। तो दोस्तों इसके अनुसार आपकी जो ज्वाइनिंग है वो फरवरी 2020 में हो सकती है, इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि वहाँ पर स्टाफ की व्यवस्था कर दी गई है और साथ में जो ATC है इनमें क्या ट्रेनिंग स्टाफ भी साथ में चलता है, तो एडम स्टाफ के साथ साथ आपके जो ट्रेनिंग स्टाफ है उसकी लिमिटें भी दी गई है कि कहाँ पर कितना ट्रेनिंग स्टाफ होना चाहिए, कब तक, फरवरी तक। तो अगर फरवरी तक वहाँ व्यवस्था की गई है तो आपकी मान के चलिए कि ज्वाइनिंग फरवरी से पहले पहले हो जानी है या फरवरी में हो जानी है, क्योंकि इसमें लिखा गया है कि नए रिक्रूटमेंट की जो ज्वाइनिंग है वो फरवरी में वो आपको रिपोर्ट
कर सकते हैं, इसीलिए वो जॉइनिंग जो फरवरी में जो जॉइनिंग कर सकते हैं, इसलिए इतना स्टाफ मतलब ट्रेनिंग स्टाफ एटीसी में जो ट्रेनिंग स्टाफ होता है, आरटीसी अलग होती है, आरटीसी जो मेन रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर होता है उसमें जब सीमाएं कंप्लीट हो जाती है जितने लेवल होता है उतना, मान लो 500 पोस्ट है 500 कंप्लीट हो जाती है ट्रेनिंग की, उसके बाद में फिर भी कुछ ट्रेनिंग बच जाते हैं उनको एटीसी में ट्रेनिंग कर दी जाती है, या कुछ लड़कियों की जैसे अजमेर जीसी में जीसी 2 में लड़कियों की ट्रेनिंग होती है तो वहाँ पर एटीसी वहाँ पर लिमिट दे रखी है कि इतने कम से कम स्टाफ होना चाहिए एडम स्टाफ के साथ आपका ट्रेनिंग का, उसके साथ साथ में आपका ट्रेनिंग स्टाफ के लिए ये डिमांड दे रखी है। तो इनका फरवरी में इनको बता रखा है कि फरवरी में आपके पास में नए रिक्रूटमेंट आ सकता है, तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहे। तो दोस्तों मान के चलिए आपके लिए गुड न्यूज़ है कि अगर डिपार्टमेंटों में इतनी तैयारी चल रही है आपके ज्वाइनिंग को लेकर फरवरी के लिए, तो आप मान के चलिए आपके लिए बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ है। साथ ही और बता दूँ दोस्तों कि अब ज्वाइनिंग का आपका टाइम नज़दीक आ गया, तो सबसे पहले आपकी जो ज्वाइनिंग होगी वो होगी ग्रुप सेंटरों में या एटीसी सेंटरों में, जैसे राजस्थान के अगर कुछ है तो उनका अजमेर जिसे में या पंजाब वाले का जालंधर जिसे में, गुड़गांव जिसे में, दिल्ली कादरपुर जिसे में, जो सीआरपीएफ के ऐसे ही बीएसएफ के इनके सबके अलग अलग जिसों में सबसे पहले जो आपकी ज्वाइनिंग होती है ग्रुप सेंटर में। तो ग्रुप सेंटर के स्टाफ को भी इन्होंने अलर्ट कर दिया, साथ में जो ट्रेनिंग स्टाफ है उसको भी व्यवस्थित करने के तौर तरीके शुरू कर दिए हैं सभी डिपार्टमेंटों में। तो आप ये मान के चलिए दोस्तों कि आपके लिए मेरे हिसाब से गुड न्यूज़ है कि आप मान के चलिए आपकी फरवरी लास्ट तक या फरवरी के महीने में ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब अगर आप बात करें कि भाई फाइनल मेरिट कब आएगी डेट किसी को नहीं पता, लेकिन हाँ मैक्सिमम चांस है कि बहुत जल्दी, मतलब अब आईपी फाइनल मेरिट आनी है दोस्तों। अगर डिपार्टमेंट में अगर इतनी तैयारी चल रही है तो उनको कोई अलर्ट भेजा तभी इतनी तैयारी होती है, नहीं तो ऐसी तैयारी नहीं होती। उनको ये अलर्ट भेजा गया है कि आपका स्टाफ कंप्लीट होना चाहिए ट्रेनिंग सेंटरों में जब भी नए रिक्रूट आए, और ऐसा होता है क्योंकि आप जानते हो जब एक साथ इतने रिक्रूटमेंट एक साथ आता है तो उनके लिए एडम स्टाफ की भी ज़रूरत पड़ती है, ट्रेनिंग स्टाफ की भी ज़रूरत पड़ती है, एटीसी हो चाहे आरटीसी। तो इसमें एटीसी का नोटिस चाहिए, आरटीसी का नोटिस भी ज़रूर होगा, तो अगर वो भी मेरे पास में आता तो उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों आप ये मान के चलिए कि आपके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है और आपकी ज्वाइनिंग है बहुत ही जल्दी होने वाली है। तो पहले सबसे पहले आपकी ग्रुप सेंटर में ज्वाइनिंग होगी, ग्रुप सेंटर से आपको पूरा का पूरा किट दिया जाएगा, उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जमा होंगे, उसके बाद में आपका कौन सा ट्रेनिंग सेंटर मिलेगा। अब कुछ लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि हमको ट्रेनिंग सेंटर कौन सा मिलेगा, तो ट्रेनिंग सेंटर कौन सा मिलेगा ये अभी पहले डिसाइड नहीं हो सकता, आपका जिस ग्रुप सेंटर में आएगा उसके बाद में आपका ट्रेनिंग सेंटर कौन सा मिल सकता है ये बाद में पता चलेगा दोस्तों, जब आप ज्वाइन कर लोगे उसके कम से कम ये मान के चलिए एक मंथ का टाइम लग जाएगा, उसके बाद में आपको पता चलेगा कि आपका ट्रेनिंग सेंटर कौन सा है। कहीं क्वेश्चन ये भी रहता है कि ट्रेनिंग में बाहर जाने देते हैं, हाँ कुछ ट्रेनिंग सेंटरों में संडे को आउट पास आपको मिल जाता है, संडे के दिन आप बाहर घूम के आ सकते हो, लेकिन कुछ में नहीं भी मिलता है। तो दोस्तों मेरी तरफ से आपके लिए अच्छी न्यूज़ है, और अब आपको भी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, और साथ ही मेरा जो दूसरा चैनल है फौजी मैथ एकेडमी उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।